नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं साथियों लेक्चर नंबर साथियों 19 में अटेंड करने वाले हैं साथियों क्लास 11 के साथियों चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज के साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर साथियों हम देखने वाले 17 साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या करना है। जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे साथियों, हमें वैसे नहीं करना है, क्वेश्चन 17 से 20 अलग करना है। आइए साथियों वो भी इजी है, आप घबराइए मत, आइए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन क्वेश्चन 17 to 20, कितने 17 से 20 तक, एंड सो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द ऑड नंबर लाइन। ठीक है साथियों, हमें मतलब जैसे हम अभी तक क्या करते आते थे साथियों, पहले हम एक्स वैल्यू निकालते हैं, सिंपल साथियों, हमें अभी भी एक्स वैल्यू ही निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है सो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना साथियों, बहुत ही ईजी है, आप घबराइए मत। ठीक साथियों, आइए हम और आप मिलकर पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं साथियों एक्स की वैल्यू निकालते हैं। आइए साथियों हम देखते हैं क्या क्या करना है, हमें पहले 3x-2 दिया गया है। ठीक साथियों 3x-2 दिया गया है और ये क्या है 2x+1 दिया है, इस वाले हम एक्स वैल्यू निकालें साथियों। आइए सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक साथियों सबसे पहले साथियों क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या दिया गया है 3x-2 दिया गया है और क्या दिया है 2x+1। साथियों देखिए ये 2 माइनस क्या साथियों उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक साथियों यहाँ पे क्या लिखेंगे 1+2 साथियों, ठीक है, और साथियों यहाँ पे क्या दिया गया था 3x, ये 2x साथियों क्या है प्लस का ही रह जाएगा, इधर हमें क्या जाएगा माइनस का 2x। ठीक है साथियों यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे क्या जाएगा 2+1 क्या है साथियों 3 हो जाएगा ये। ठीक है साथियों 3 हो जाएगा ना, अब यहाँ पे देखिए साथियों क्या, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस माइनस का जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या साथियों एक्स आ गया है, हमारे एक्स वैल्यू साथियों क्या आ गई है 3 आ चुकी है साथियों। साथियों देखिए आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा साथियों, क्या देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है साथियों देखिए एक नंबर लाइन दी गई है। ठीक साथियों नंबर लाइन दी गई है, आपको इसको बनाना ये रफ वर्क नहीं है। ठीक साथियों यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 0, यहाँ पे क्या जाएगा साथियों -1, यहाँ पे क्या जाएगा साथियों 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक साथियों ये हमारी कौन सी वो है, ये -2 क्या है साथियों, कौन सी लाइन है, ये एक्स लाइन है, कौन सा लाइन है साथियों एक्स। इन ग्राफों में क्या होती है, हमें एक्स दिया गया तो हम एक्स ही रखेंगे, अगर वाई दिया है वाई रखेंगे, हम जो यार डंडे होते हैं ना ऐसे ऐसे नहीं बनाएंगे ग्राफ में। ठीक साथियों अब हम क्या करते हैं, अभी नहीं बनाएंगे। ठीक साथियों हमने एक्स वैल्यू ये नंबर लाइन हमने शो कर दिया, इसमें क्या दिया गया जो 3 है साथियों, 3 क्या है बड़ा है और एक्स की वैल्यू क्या है सारी छोटी वैल्यू है साथियों, क्या है छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे साथियों हम लिखेंगे ये हमारा 3 है साथियों, देखिए यहाँ पे 3 क्या है इंक्लूडेड नहीं साथियों, ठीक है तो हम इसको ऐसे रखेंगे, अगर 3 इंक्लूडेड होगा, अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता तो हम करेंगे जो 3 में से कलर कर देंगे। ठीक साथियों कलर कर देंगे मतलब जब भी अपन पेन या पेंसिल से और उसको फिल कर देंगे। ठीक साथियों अब क्या करेंगे 3 है अभी कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिट तक जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस पे एक और पेंसिल लाइन खींचेंगे। ठीक साथियों से लाइन खींचते आएंगे कहाँ तक, तब तक ये नंबर लाइन कर देंगे। ठीक है साथियों कहाँ तक हम कर देंगे, ठीक है तो ये इसको यहाँ पे चला जाएगा एरो के बाद। ठीक है साथियों ये हमारा क्या हो गया ग्राफ में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक साथियों ऐसे हमें सभी क्वेश्चंस में करना है। ठीक साथियों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है साथियों, अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में, जब तक के लिए साथियों धन्यवाद साथियों, जो हमारा लेक्चर पहली बार देख रहा हो चाहिए प्लेलिस्ट में चेक करिए, हमने सारी सीरीज अपलोड की है, धन्यवाद साथियों।